चलो दोस्तों, आज का टॉपिक है, लिखो, फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। अगेन आई रिपीट, टॉपिक लिखना है फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। फैक्टर्स affecting the value of degree of ionization। दोस्तों, degree of ionization को हम समझेंगे degree of dissociation। क्या समझेंगे? Degree of dissociation, हाँ, that is alpha। And we know alpha is equal to x by a। पढ़ा था ऐसा हमने। अच्छा, ये भी हमने पढ़ लिया कि अल्फा जो है वो अफेक्ट होता है वॉल्यूम से। yes, जितना वॉल्यूम ज्यादा उतना अल्फा इंक्रीज होगा। yes, जितना वॉल्यूम ज्यादा उतना कंसंट्रेशन, हाँ, तो वॉल्यूम इंक्रीज, कंसंट्रेशन इंक्रीज, समझे आप? तो आज हम पढ़ रहे हैं कौन से फैक्टर है जो अल्फा को अफेक्ट करते हैं। तो अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और डिसोशिएट होकर अगर आयन बन रहा है तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। इज दैट क्लियर? दोस्तों लिखो, सबसे पहला फैक्टर टेम्परेचर। पहला, सबसे पहला लिखो, फर्स्ट आपको लिखना है टेम्परेचर। पहला फैक्टर आपको लिखना है टेम्परेचर। दोस्तों आप खुद सोचो, अगर हम किसी भी सब्सटेंस को पानी में ऐड करते हैं और उसको हम टेम्परेचर अप्लाई करते हैं, तो वैसे ही डिसोसिएशन एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक मतलब कोई भी केमिकल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, ऋषभ, कोई भी केमिकल बॉन्ड ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी अप्लाई करनी पड़ती है, ठीक है? और हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बॉन्ड जल्दी ब्रेक होगा। अच्छा, जल्दी ब्रेक होगा तो आयनाइजेशन ज्यादा होगा, जल्दी होगा। Yes. जितना जल्दी होगा उतना अल्फा इंक्रीज होगा। तो इसका मतलब, सिंस डिसोसिएशन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, इफ विल इंक्रीज टेम्परेचर देन डिसोसिएशन इंक्रीजेस एंड अल्फा आल्सो इंक्रीजेस। समझ आया आपको? Yes. लिखो दोस्तों, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर आयनाइजेशन इंक्रीजेस। On increasing temperature, ionization increases. So alpha increases, and we know that alpha is degree of dissociation or ionization. On increasing temperature, ionization increases. So alpha increases. Because dissociation is endothermic process. Endothermic process, is that clear दोस्तों? Yes, sir. पहला point फिर से repeat करता हूँ, temperature, उसमें लिखा on increasing temperature ionization increases, so alpha increases because dissociation is endothermic process, is that clear? Yes. दूसरा point लिखना है on dilution, alpha increases. अगेन मैं रिपीट करूं, ओए क्या बात कर रहे तू? मैंने ऐसा लिखा है ऑन डाइल्यूशन अल्फा इंक्रीज लिखा है मैंने, अल्फा इंक्रीजेस बिकॉज अल्फा इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट वी। ऐसे लिखो, बिकॉज अल्फा इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट वी। अंडर रूट मीन 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 अंडर रूट म
क्या लिखा? Alpha is Prabhu's will do. Under third point लिखो. Nature of electrolyte. Nature of electrolyte. Third point लिखना है. Nature of electrolyte. दूसरा point आपने लिखा होगा on dilution. तीसरा लिखा nature of electrolyte. उसमें लिखो strong electrolyte. Strong इलेक्ट्रोलाइट लिखो अल्फा इज इक्वल टू 100% स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट फिर लिखो अल्फा इज इक्वल टू 100% दूसरा लिखो दोस्तों वीक इलेक्ट्रोलाइट अल्फा इज लेस देन 100% मतलब अल्फा 70% है 80% है 90 है 50 है 40 है 100% नहीं है वो तो ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है ना यार कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो उसमें खाली डिसोसिएशन होता है एसोसिएशन नहीं होता अच्छा वीक में डिसोसिएशन भी होता है और इक्विलिब्रियम होता है इसीलिए ऑसवाल्ड ने वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में रूल दिया था ना स्टेटमेंट उसका वीक के लिए था क्योंकि हम जुदा हो गए रास्ते खो गए मगर हम मिलेंगे और स्ट्रॉन्ग में नहीं क्या बात है लिखो नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों नेचर ऑफ सॉल्वेंट नेक्स्ट पॉइंट लिखना है नेचर ऑफ सॉल्वेंट नेचर ऑफ सॉल्वेंट लिखो इफ पोलारिटी ऑफ सॉल्वेंट इंक्रीजेस पोलारिटी मोलारिटी नहीं पूछा सही बात है गुड इफ पोलारिटी को लोग मोलारिटी समझते हैं इफ पोलारिटी ऑफ सॉल्वेंट इंक्रीजेस इफ पोलारिटी ऑफ सॉल्वेंट इंक्रीजेस then the value of alpha increases. Then the value of alpha increases. If a polarity of solvent increases, then? Value of alpha increases. Polarity आपको पता ही है. हमने polarity उसमें पढ़ लिया, chemical bonding में. जैसे H2O है. इधर देखो बेटा, H2O. ठीक है? फिर D2O. H मतलब हाइड्रोजन डी मतलब हाइड्रोजन का आइसोटॉप ड्यूटेरियम पढ़ा ना हमने yes. अच्छा अगर हम बेंजीन ले लें तो बेंजीन तो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है उसका म्यू तो जीरो है तो H2O का पोलारिटी सबसे ज्यादा है तो उसका अल्फा सबसे ज्यादा होगा D2O का पोलारिटी थोड़ा कम है तो उसका अल्फा डिक्रीज होगा और बेंजीन का बेंजीन तो पोलर ही नहीं है क्योंकि बेंजीन C6H6 होता है तो सिमेट्रिकल है तो उसका म्यू जीरो होता है डायपोल मोमेंट जीरो होता है उसका तो फिर उसका अल्फा तो सबसे कम होगा समझे आप एग्जैक्टली तो यहाँ पे हमें याद रखना है लिखना नहीं है एग्जांपल एग्जांपल मैंने बता दिया H2O का सबसे ज्यादा होगा अल्फा फिर बेंजीन समझे आप अच्छा बेंजीन का म्यू जो है वो 2.5 होता है कितना होता है और CCl4 का जीरो होता है CCl4 का जीरो CCl4 का क्यों जीरो होता है CL तो देखा आपने पूरा स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल है तो उसका म्यू जीरो हो गया ओके बेंजीन में स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल है बट जीरो क्यों नहीं हो रहा पता है क्योंकि पाई बॉन्ड है ना उनका पोजीशन फिक्स नहीं है पाई हाँ डीलोकलाइजेशन है ना बेंजीन में डीलोकलाइजेशन होता है मतलब पाई बॉन्ड का पोजीशन फिक्स नहीं होता इसीलिए उसका म्यू जो है वो कितना है 2.5 याद रखेंगे इन शॉर्ट ये पॉइंट में हमें इतना सीखना था कि जितना सॉल्वेंट ज्यादा पोलर उतना अल्फा ज्यादा तो चार पॉइंट समझ आ गए ये टॉपिक खत्म हुआ टॉपिक का नाम था फैक्टर्स अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ आयनेशन टेंपरेचर तो टेंपरेचर में लिखा टेंपरेचर इंक्रीज अल्फा इंक्रीज दूसरा ऑन डाइल्यूशन अल्फा इंक्रीज तीसरा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा 100 वीक का अल्फा लेस देन 100 फिर हमने लिखा नेचर ऑफ सॉल्वेंट उसमें लिखा सॉल्वेंट का पोलैरिटी ज्यादा अल्फा ज्यादा पोलैरिटी का मतलब डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी होता है पर अभी हम पोलैरिटी समझेंगे जितना पोलैरिटी ज्यादा जितना बॉन्ड ज्यादा पोलर उतना अल्फा ज्यादा उतना डिसोसिएशन ज्यादा अल्फा इंक्रीज होगा क्लियर है दोस्तों नेक्स्ट थ्योरी का टाइटल लिखो मिक्सिंग ऑफ आयंस नेक्स्ट दोस्तों लिखना है मिक्सिंग ऑफ आयंस
उसमें सबसे पहला आप लिखोगे कॉमन आयन अफेक्ट। दो अफेक्ट पढ़ने हैं हमें, सबसे पहला है कॉमन आयन अफेक्ट, कॉमन आयन अफेक्ट। पहले स्टेटमेंट लिख दो फिर पूरा समझाता हूं। लिखो व्हेन अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, व्हेन अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, व्हेन अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैविंग अ कॉमन आयन इज मिक्स्ड विद, when a strong electrolyte having a common ion is mixed with weak electrolyte, is mixed with weak electrolyte, then alpha of weak electrolyte, then alpha of weak electrolyte is decreased, alpha of weak electrolyte is decreased. This effect is called, this effect is called common ion effect, this effect is called common ion effect. अब समझते हैं इसको क्या लिखा है मैंने। व्हेन अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एग्जांपल अभी लिखना मत, अब देखो व्हेन अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लाइक Cl3COONa। नाउ दोस्तों मैंने ऑलरेडी आपको बताया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ओनली डिसोसिएट होता है, मतलब एरो इस तरफ होगा, क्या कौन से आयन बनेंगे इसमें से देखो आप, Na+ और Na+। ये कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है? Strong electrolyte. How do we come to know this is strong electrolyte? Equilibrium. नहीं ऐसा नहीं, इसके अंदर Na है, ग्रुप वन का आयन है इसलिए। अच्छा अगर यहाँ पे लिखा होता CH3COOH तो देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड और उसमें ग्रुप वन का कोई आयन नहीं है, तो इसीलिए मैंने दोनों तरफ एरो, मतलब यहाँ पे डिसोसिएशन होगा और तो यहाँ पे CH3COOH- बना और H+। अब आपने देखा व्हेन अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज मिक्स्ड विद अ वीक इलेक्ट्रोलाइट हैविंग अ कॉमन आयन देन अल्फा ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज डिक्रीज्ड। नाउ हाउ, देखो आप देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब बीकर में मैंने लिया C3COONa, तो डिसोसिएट हो गया C3COOMNa+ में, उसके अंदर मैंने और डाला ये जिसमें से ये आयन बना, जैसे ये आयन बना उसको पता चला भाई ये तो कॉमन है, अब ये कॉमन है इसका मतलब प्रोडक्ट में कॉमन आयन है, तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन हाँ अरे इंक्रीज हुआ ना दोस्त, प्रोडक्ट में एक आयन कॉमन है तो ये दो, ये आयन दोनों दोनों में है, मतलब प्रोडक्ट क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। अच्छा प्रोडक्ट इंक्रीज होगा तो पता है लीच एडिलेन में पढ़ा था या फिर कॉमन सेंस की बात है कि प्रोडक्ट जितना ज्यादा उतना फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा होगा या बैकवर्ड रिएक्शन, अरे कॉमन सेंस, जिस तरफ कंसंट्रेशन ज्यादा है उस तरफ का रेट ज्यादा होगा ना, तो किसका कंसंट्रेशन ज्यादा है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ज्यादा, रिएक्शन वापस आएगा। अच्छा रिएक्शन वापस आ रहा है मतलब इन दोनों का क्या हो रहा है, एसोसिएशन क्या हो रहा है, अच्छा एसोसिएशन इस तरफ हो रहा है क्या, तो यहाँ पे एसोसिएशन होगा, अच्छा एसोसिएशन हुआ तो वापस तो ये बनेगा, तो मतलब इसका डिसोसिएशन कम हो गया, तो वही तो लिखवा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिग्री, समझ आ गया। अगेन रिपीट करता हूँ, व्हेन अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैविंग अ कॉमन आयन इज मिक्स्ड विद वीक इलेक्ट्रोलाइट देन ड्यू टू एक्युमुलेशन ऑफ अ कॉमन आयन इन अ प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन जो है उसमें कॉमन आयन होने की वजह से प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज हुआ, सो बैकवर्ड रिएक्शन increases, association increases, dissociation increases. Is that clear? Yes, sir. That's great. तो आपको reaction लिखने हैं, पहले आप लिखो on mixing CH3COONa, उसी में point के next point, next point उसी में लिखना है, मतलब उसी में लिखना है एक point on mixing CH3COONa with CH3COOH,
on mixing C3CONa with C3COH solution. लिखो इनिशियली ये इक्वेशन लिखो दोस्तों इनिशियली पहला इक्वेशन लिखो फिर ये इक्वेशन लिखो तब लिखो आगे ऑन मिक्सिंग हो गया दोस्तों जरूरी है ना एकदम शांति होना चाहिए अपना क्लास इसमें फिर डिस्टर्बेंस आता है और कुछ बोलो ये सब लिख दिया आपने नीचे एक पॉइंट लिखो कंसंट्रेशन मतलब ऐसे लिखो कंसंट्रेशन ऑफ CH3COOH- माइनस इंक्रीजेस सो H प्लस decreases respectively क्योंकि CH3COOH माइनस आयन इंक्रीज हो रहा है तो उसके कॉन्टेक्ट में जो भी है दैट इज एच प्लस वो डिक्रीज होगा ठीक ग्रेट तो ये सबसे पहला मिक्सिंग ऑफ आयन में पहला खत्म हुआ कॉमन आयन इफेक्ट दूसरा लिखो ऑड आयन इफेक्ट ओ डबल डी ऑड आयन लिखो वेर अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैविंग अ ऑड आयन वेर अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैविंग अ ऑड आयन वेर अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैविंग अ ऑड आयन इज मिक्स्ड विद वीक इलेक्ट्रोलाइट mixed with weak electrolyte then alpha of weak electrolyte is increased this effect is called on ion effect On mixing NaOH with CH3COOH. It was sir. हाँ लिखो लिखो. On mixing NaOH with CH3COOH solution. लिखो. Initially CH3COOH gives CH3COOH minus plus H plus. फिर लिखो ऑन मिक्सिंग विद NaOH मतलब NaOH ओनली डिसोशिएट्स ये एसोशिएट नहीं हो रहा तो NaOH कैसा इलेक्ट्रोलाइट है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हाँ और CH3COOH वीक इलेक्ट्रोलाइट सो नाउ व्हेन अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैविंग अ ऑड आयन इज मिक्स्ड विद वीक इलेक्ट्रोलाइट अगेन Strong electrolyte having a odd ion, ये odd ion is mixed with weak electrolyte. Then क्या होगा सुनो भैया इधर देखो. अच्छा इसमें CH3COOH minus H plus बन रहा है और वापस से association भी हो रहा है ये dissociation ये association पे weak हुआ. अच्छा इसमें खाली dissociation तो ये strong हुआ. पर इन दोनों में एक ion odd है. Odd ion मतलब ऐसा होता है कि दोनों में से एक ही ion है ना वो react करेगा. इसका एक पॉजिटिव आयन इसका एक नेगेटिव आयन रिएक्ट करेगा अच्छा इसका पॉजिटिव आयन H+ है और इसका नेगेटिव आयन कौन सा है OH- माइनस तो क्या बना रहा है H2O इसका मतलब मेरी बात अच्छे से सुनना इसका मतलब ये हुआ H+ OH- जैसे ही H+ बनेगा इसका OH- को ग्रैब कर लेगा पानी बना देगा अब आप सोचो ये CH3COOH- को एसोसिएट होना है तो माइनस को एसोसिएट होने के लिए प्लस आयन चाहिए कि नहीं yes,
इसके साथ कौन सा प्लस साइन पहले था? अच्छा वो एच प्लस तो लॉस हो गया ओ एच माइनस के साथ, तो अब ये कभी एसोसिएट नहीं हो सकता। अब आप बोलोगे सर ये एन ए के साथ हो गया, तो अरे सी थ्री सी डबल ओ एन ए अगर बनेगा तो सी थ्री सी डबल ओ एन ए कैसा इलेक्ट्रोलाइट है, उसमें खाली क्या होगा? So association will not occur, association नहीं होगा। और अगर ये Na से combine करेगा तो ये दोनों मिलके कौन सा electrolyte बनाएंगे? और strong electrolyte में always alpha increase होता है। Is that clear? Yes sir. Copy कर लो इतना। Okay? तो नीचे लिखो। Due to odd ion effect. सब H plus OH भी लिखो। हाँ, इसके आगे ऐसा लिखना है। Due to odd ion effect. फिर एक question लिख दो। सबसे इजी इक्वेशन पूरे वर्ल्ड में, एच प्लस प्लस ओ एच माइनस गिव्स एच टू। बोलो समझ आया? यस सर। ग्रेट। चलो एग्जाम लिखो और फिर हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अल्फा find out the value of alpha of 10 to the power minus 2 molar HCl solution if concentration of H plus is equal to 10 to the power minus 3. Find the value of alpha, that is degree of ionization, degree of dissociation of this much molar HCl solution if concentration of H plus is equal to 10 to the power minus 3. Achha, humne aage padh liya, pata hai? Oswald mein H plus ka concentration kitna hota hai? Alpha C hota hai. Yes sir. Aisa padha tha humne? Yes sir. Pata hai, aisa likha tha humne? C, 0, 0. Alpha C, -3 upon 10 to the power -2 = alpha. ये माइनस टू पर है तो प्लस टू हुआ, तो माइनस थ्री प्लस टू कितना हुआ? माइनस वन। माइनस वन मतलब कितना हुआ? पॉइंट वन। पॉइंट वन मतलब कितना परसेंटेज हुआ? 10%। समझ आ गया दोस्तों? चलो कॉपी करो जल्दी से। ओके देखो नेक्स्ट, ये मॉड्यूल में से एग्जांपल नंबर 4 है, तो इधर लिख दो आई 4 इलस्ट्रेशन 4, गई मत लिखना, आई लिखना इधर। हाँ इधर इलस्ट्रेशन 4 बेटा। गुड मॉर्निंग। बाल कटा दे तू तो स्वेटर देते मेरे को, मस्त जरा स्वेटर ऐसा लेके दो दे मेरे को, दिखा दो मुझे। फोकस कंट्रोल एडजस्ट, वाओ गर्मी लगती है इसमें। कितने का है? पता नहीं सर, मेरा बजट 300 रुपए का है। कल मैं गया निकल रहा हूँ, तो मेरा बजट था 150 रुपीज। सुन अरे रुक तो जा, अभी मैं 21 रुपए बचा के 129 का टी शर्ट लेके आया। कितने का? मेरा बजट 150 था, तो उसमें एक चीज दिखी मेरे को, तो 129 की टिकट ले ली। सर बजट एक अच्छी चीज है। हां बजट अच्छी चीज है, अच्छी चीज है, ऐसा थोड़ी
तो 300 का सूटर नहीं होगा तो आधा काट के तो मिल सकता है। ये वर्ड मस्त है, फोकस कंट्रोल है, जस्ट बहुत अच्छे वर्ड्स हैं। लिखो फॉर 10 मोलर C3COOH सॉल्यूशन फॉर बेटा फॉर FOR फॉर 10 मोलर मोलर बोला लिखना कैपिटल M लिखना होता बेटा आज लोगों को पोलारिटी मोलारिटी सुनाई दे रही है और मोलर पोलर सुनाई दे रही है। मेरी गलती लग रही है ऐसा क्योंकि सबको ऐसे ही हो रहा है। लिखो फॉर 10 मोलर C3COOH नॉट पोलर C3COOH ऐसा तो लिखोगे 10 मोलर से ऐसा लिखोगे मैं स्टेटमेंट कुछ है स्टेटमेंट फॉर्म हो रहा है इससे ठीक है सर। फॉर 10 मोलर C3COOH सॉल्यूशन इफ Ka is equal to 10 to the power minus 5 Ka is equal to 10 to the power minus 5 then find out alpha concentration of H plus and pH। ये illustration 5 है कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस एंड पी एच ठीक है। आ जाओ दोस्तों इधर क्या दिया है हमें डिटेल है 10 मोलर है अपने पास C3COOH और क्या डिटेल है हमारे पास KAB है कितना है 10 टू द पावर माइनस 5। दोस्तों KA का इक्वेशन याद है आपको अल्फा स्क्वायर C चलो क्या KA है सी है अल्फा स्क्वायर में से अल्फा आगे करो फाइन लिखो के 10 टू द पावर माइनस 5 अपॉन सी दैट इज 10 टू द पावर 1 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर। सो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू ये ऊपर आया तो 10 टू द पावर माइनस 1 हो गया तो माइनस 5 माइनस 1 कितना हुआ माइनस 6 हुआ तो अल्फा आया 10 टू द पावर माइनस 3 सामने अंडर रूट हो गया बोलो कोई डाउट है यहाँ तक ठीक है। तो ये पहले हमने फाइंड कर लिया अल्फा। दूसरा H प्लस का कंसंट्रेशन अभी हमने फॉर्मूला लिखा था क्या लिखा था अल्फा C अल्फा अल्फा कितना है ये फाइंड किया C कितना है कितना कंसंट्रेशन है 10 टू द पावर 1 तो ये H प्लस आया 10 टू द पावर माइनस 2 को बोलो कोई डाउट है हेलो कोई डाउट है नो सर ठीक है। तो pH का इक्वेशन दोस्तों बताओ ना क्या है pH is equal to minus log of H plus H plus का concentration कितना आया ये minus 2 आगे आया तो minus minus plus 2 हुआ log 10 1 होता है तो pH कितना आया 2 खत्म बोलो कोई डाउट है नो सर देखो टॉपिक नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ वाटर लिखा दोस्तों आपने क्या लिखा एक्सप्लेनेशन ऑफ वाटर हाँ पानी ने आपने समझवानु छे एवं ना लगता शादी के बाद पानी हो गया खाना पड़ेगा खाने पड़ने में कैसे पड़े काम मानव मानव
इससे कैसे चलेगा? लाइफ में कॉन्फिडेंस होना बड़ा जरूरी है। कॉन्फिडेंस है तो खाना पड़ा नहीं तुमको लाइफ आराम से टेक योर टाइम, हम बिल्कुल ऐसे फ्री एकदम। लिखो, नेचर ऑफ वाटर इज न्यूट्रल। पहला पॉइंट दोस्तों लिखा आपने, यस सर, नेचर ऑफ वाटर इज न्यूट्रल। इस स्टेटमेंट को मैथमेटिकली लिखो, कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ ओ एच माइनस इज इक्वल टू 10^-7 इन ब्रैकेट आप लिखो 25 डिग्री सेल्सियस। लिखा दोस्तों आपने, भाई इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब 25 डिग्री पे पीएच कितना होगा? 10^-7। अरे पीएच मतलब माइनस लॉग ऑफ एच प्लस ना, 7 हुआ ना, यस सर। इसका मतलब ये हुआ कि पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ एच प्लस दैट इज 7। इसका मतलब ये हुआ POH is equal to also 7। अच्छा इसका मतलब तो ये भी हुआ PH plus POH is equal to 14। समझ आया? तो अगर आपके पास PH है तो आप POH easily find कर सकते हो, समझे कि नहीं? Yes sir। क्योंकि दोनों का summation constant होता है, कितना होता है? 14। याद कर लो आप। सर बोला है। अगर हाँ, अगर PH 2 है तो POH 12 होगा। pH 10 है, नहीं pH 10 नहीं, pH 1 है, 13, टोटल 14 होगा। समझ आ गया पहला पॉइंट? यस सर। दूसरा पॉइंट लिखो, नंबर ऑफ H2O, नंबर ऑफ H2O मोल्स इन 1 लीटर वाटर। नंबर ऑफ H2O मोल्स इन 1 लीटर वॉटर। मोल का मतलब क्या होता है? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता है। 1 लीटर मतलब 1000 ml हुआ, 1000 ml मतलब 1000 ग्राम हुआ, क्योंकि वॉल्यूम इज इक्वल टू वेट फॉर वॉटर बिकॉज डेंसिटी इज 1। सो d इज इक्वल टू m बाई वी, बट d इज 1 सो m इज इक्वल टू v, तो वॉल्यूम कितना है 1000 ml, तो ग्राम कितना हुआ? हाँ तो चलो 1000 ग्राम अपॉन पानी का मॉलिक्यूलर वेट तो आपको पता ही है, तो लिखो 55.55 मोल्स। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। समझ आए? तो इसका मतलब ये तो मोल्स है, कितने लीटर में? हाँ तो फिर कंसंट्रेशन भी तो यही हुआ। तो लिखो थर्ड पॉइंट, आप कंटिन्यू लिखना है, ऐसे मत लिखना साइड में। मेरे तो गरीब मामू गरीब छू जगह थी हमारी पास, तो गमे ज्यादा कुछ लिखो। मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H2O, मोलर पोलर नहीं लिखना है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H2O, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H2O is equal to 55.55 मोल पर लीटर। बोलो दोस्तों कोई डाउट है इसमें? नो सर। ठीक है, चलो अब लिखो नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट लिखो, कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस एंड ओ एच माइनस आयन। Concentration of H plus and OH minus ion in 1 liter water. Concentration of H plus and OH minus ion in 1 liter water.
कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस एंड ओ एच माइनस आयन इन वन लीटर वाटर. लिखो कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 7 मोल पर लीटर एंड कंसंट्रेशन ऑफ ओ एच माइनस इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 7 मोल पर लीटर. दोनों का कंसंट्रेशन कैसा है? सेम. अभी हमने लिखा था पता ही. कहाँ लिखा था? पहले पॉइंट में लिखा ना, नेचर ऑफ वाटर इज न्यूट्रल, उसमें नहीं लिखा. दोनों का कंसंट्रेशन 10 टू द पावर माइनस 7 है, इसीलिए पीएच 7 होगा, पीओएच भी 7 होगा, और इसीलिए पीएच प्लस पीओएच कितना होगा? 14. बोलो कोई डाउट है? लिखो नेक्स्ट. अच्छा एच प्लस के मोल्स कितने हैं? इतने मोल्स है ना, कितने? 10 टू द पावर माइनस 7 मोल पर 1 लीटर. समझे आप? तो नंबर ऑफ एटम कितने हुए? एक मोल में कितने एटम होते हैं? नंबर ऑफ एच प्लस एंड ओ एच माइनस आयंस इन वन लीटर वाटर. लिखो नंबर ऑफ एच प्लस आयंस इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 7 इनटू एन एंड नंबर ऑफ ओएच माइनस आयंस इज आल्सो इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 7 इनटू एन. कोई डाउट है तो पूछ सकते हो. क्या बेटा एन मतलब एवोगाड्रो नंबर? बोलो कोई डाउट है? लिखो नेक्स्ट. इन वाटर नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल अपॉन नंबर ऑफ H प्लस आयंस इन वॉटर नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स अपॉन नंबर ऑफ H प्लस आयंस. नंबर ऑफ वॉटर मॉलिक्यूल्स कितने हैं? तो मोल्स कितने हैं वॉटर के? कितने मोल्स हैं? नंबर के लिए 55.55 मोल इनटू एनए करना होगा और एच प्लस आयन कितने हैं? 10 टू द पावर माइनस 7 इनटू एनए. अच्छा एनए एनए कट हो गया तो ये कितना आया? 55.55 इनटू 10 टू द पावर प्लस 7 आया अपॉन 1 आया. यस सर. अपॉन 1 क्यों लिखा? अपॉन 1 इसलिए लिखा क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल इतने हैं जिसके अंदर H प्लस आयन ओनली है. इतने पानी के मॉलिक्यूल के अंदर एक ही H प्लस है. क्या बात कर रहे हो सर? H2O इतने सारे हैं तो H प्लस इतने ही हैं, क्योंकि कभी भी H प्लस नहीं होता, H प्लस बहुत ही कम होता है. H प्लस H2O के साथ H3O प्लस बनाता है. क्या बनाता है? हाँ, इसलिए H प्लस बहुत कम होते हैं. कितने? एक ही होता है. कितने आयन? इतने. तो एक स्टेटमेंट लिखो, one H plus ion इतना statement लिख दे, is obtained from 55.55 into 10 to the power 7 H2O molecules. One H plus ion is obtained from 55.55 into 10 to the power 7 molecules. वो सोच रहा है मेरे को बोलने से. बोलो यहां तक कोई डाउट? चलो अब लिखो नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है अपने? सेवेंथ. लिखो डिग्री ऑफ आयन, जाओ पानी पियो. डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ वाटर लिखो H2O दोनों तरफ एरो करने हैं और लिखो गिव्स H प्लस प्लस OH माइनस. लिखो अकॉर्डिंग टू ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ
अकॉर्डिंग टू ऑस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ H प्लस कितना होता है दोस्तों, पढ़ा नहीं हमने, कितना होता है अल्फा इंटू सी। चलो कोई डाउट है यहां तक, अल्फा को सब्जेक्ट बनाओ तो क्या आया H प्लस अपॉन सी। चलो H प्लस अपॉन सी, अच्छा H प्लस का कंसंट्रेशन तो अभी हमने पढ़ा कितना है, पहले ही पॉइंट में पढ़ा एक्सप्लेनेशन ऑफ वाटर में 10 टू द पावर और C मतलब कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन कितना है दोस्तों अभी हमने पढ़ा 55.55। अच्छा ये करेंगे तो आएगा 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9, 10 टू द पावर माइनस 9। बोलो कोई डाउट है? अच्छा परसेंटेज में फाइंड करना है तो कितना परसेंटेज आएगा अल्फा, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब कितना आया 10 टू द पावर माइनस 7, मतलब अल्फा बहुत कम नहीं है देखो ना, कितना है 10 टू द पावर मतलब 0.0000018। अच्छा तो इसका मतलब वाटर इज अ वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट, देखो यहां पे हेंस वाटर इज अ वेरी वीक, नहीं वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट। Water is very weak electrolyte. Good out है? No sir. देखो next point कौन सा point है? Eight point लिखो. Ionization constant of water. लिखा आपने इक्वेशन, लिखो एक बार आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, उसमें इक्वेशन लिखा आपने लिखो के इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ओएच माइनस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। अच्छा कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस कितना है हमने आगे पढ़ा 10 टू द पावर माइनस सेवन, और ओएच माइनस का कंसंट्रेशन लिखो 10 टू द पावर माइनस सेवन इंटू 10 टू द पावर माइनस सेवन अपॉन एच टू का कंसंट्रेशन 55.55, तो ये आ जाएगा 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14। लिखो k का वैल्यू लिख दो 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14 16 लिखो 14 में, उसका रीजन है माइनस सेवन कितना हुआ माइनस 14, 1 अपॉन 55.55 करोगे तो हमें जीरो एडजस्ट करने पड़ेंगे, जीरो एडजस्ट करेंगे तो 16 आएगा। कैल्सियम का गणना तो कर लो ना, 1 अपॉन 55.55 कितना होता है, कर लो आपको कंफर्म हो जाएगा कितना है, बोलो दी एक जन कर लो ना, सबको करने की जरूरत नहीं है, सब चेक करेंगे तो अलग अलग थोड़ी आएगा, वन प्रेस करेंगे तो वन ही होगा, टू तो प्रेस नहीं होगा अपने आप, पॉइंट टू मिनट, ये भी पॉइंट है अपॉन मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई होगा, अपॉन करेंगे तो अपॉन प्रेस होगा, 0.0180 मैं भी कर देता हूं, फाइव प्रेस करने से फाइव प्रेस हो रहा है, छोड़ दा एक मिनट बेटा, एक मिनट फिर सुनता हूँ, देखो 0.01 तो 0.0 में 1.8 लेकर 10 टू द पावर माइनस 2 करना पड़ेगा, और रिजल्ट कितना हुआ माइनस 14, माइनस 2 माइनस 14 कितना हो गया -16, समझ आ गया? Yes, देखो नेक्स्ट आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर वापस से इक्वेशन लिखो बेटा, पूरा केमिस्ट्री में कुछ नहीं तो ये इक्वेशन तो आ ही जाएगा, H2O gives H+ plus OH minus। अच्छा इसका k क्या होगा, अभी हमने लिखा था कंसंट्रेशन ऑफ H+ इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH minus अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ H2O, वी नो दैट कंसंट्रेशन ऑफ H2O इज कांस्टेंट 55.55, पर वो लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो कांस्टेंट है। अच्छा k क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो लिखो k
into concentration of H2O is equal to KW. इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन को हम क्या बोलेंगे दोस्तों? KW. Is equal to what? H plus into OH minus. H plus का concentration 10 to the power minus 7. OH minus का concentration 10 to the power? Minus 7. कितना हो गया? 10 to the power? Minus 14. तो याद रखना KW. कितना होता है? Always? 10 to the power minus 14. लिखो, where KW is equal to ionic product of water. Where KW is equal to ionic product of water. समझ आया दोस्तों? Yes, के ऊपर से जा रहे, समझ आ गया? KW क्या है? Ionic product of water. KW is ionic product of पानी. अच्छा, H plus कितना है? Then H-7. और OH minus कितना है? H-7. तो OH minus को H plus बोल सकता हूँ मैं? Yes sir. तो KW is equal to क्या हो जाएगा? H plus square होगा. ऐसा बोल रहा हूँ, ये भी H plus और ये H plus ही हुआ ना? Yes sir. अच्छा, तो H plus को OH minus बोल सकते हैं? क्योंकि दोनों concentration same है. तो KW is equal to क्या लिख सकते हैं? OH minus square लिख सकते हैं? Yes sir. अच्छा, H plus को H3O plus भी तो बोलते हैं? H plus ही क्या होता है? H3O. ऐसा लिख सकते हैं, KW is equal to H3O plus into OH minus. अच्छा, H3O plus ही OH minus होता है, क्योंकि H3O plus का concentration 10 to the power minus 7 है, और OH minus का concentration भी उतना है. तो ऐसा लिख सकते हैं, KW is equal to H3O plus square. Yes. नहीं समझ आ रहा? तो बहुत सारे formula हो गए ना? KW को हम लिख सकते हैं H plus into OH minus, या फिर H plus square, या फिर OH minus square, या फिर H3O plus into OH minus, या फिर H3O plus square. क्योंकि H plus और OH minus दोनों फिक्स है. कितने हैं? 10 to the power? Minus 7. चलो दोस्तों, next topic. अब topic change हुआ, next topic लिखना है relation between pH and pOH. Relation between pH and pOH. लिखा दोस्तों टॉपिक. Yes sir. मुझे कोई बता सकता है KW क्या होता है? KW क्या होता है? चलो ठीक है, वहीं से स्टार्ट करने हैं. रुको, मैं लिखता हूँ. पंद्रह बीस बोल जिंदगी के नहीं, लेक्चर के. इसमें ऑलरेडी कहा था? चलो लिखो, इधर लिखो, के डब्ल्यू, अरे डब्ल्यू इज इक्वल टू एच प्लस इंटू ओ एच माइनस. लिखा, लिखो नेक्स्ट एक पॉइंट लिखो, टेकिंग माइनस लॉग ऑन बोथ साइड्स. टेकिंग माइनस लॉग ऑन बोथ साइड्स. चलो, तो ऐसा हो जाएगा, माइनस लॉग ऑफ के डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ एच प्लस माइनस लॉग ऑफ ओ एच माइनस. यहां तक कोई डाउट तो पूछो. बोलो, कोई डाउट है? चलो, माइनस लॉग ऑफ के डब्ल्यू, मैंने लास्ट टाइम बोला था माइनस लॉग को पी बोलते हैं, और क्या लिखा है? के डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस लॉग को पी बोलते हैं, और ये एच है, माइनस लॉग को पी बोलते हैं और ओ एच. तो प्रूव हो गया पी के डब्ल्यू इज इक्वल टू पी एच प्लस पी ओ एच. क्लियर है? यस. चलो, पी एच अभी पता है 7 था, और पी ओ एच 7, तो इसका मतलब pH plus pH लिख सकता हूँ. PKW is equal to pH plus pH, या फिर PKW is equal to pOH plus pOH. Yes, sir. अच्छा, तो PKW is equal to 2pH, so PKW upon 2 is equal to pH. Any doubts? No, sir.
नो सर तो ऐसा लिख सकते हैं PKW is equal to 2POH अच्छा PKW by 2 is equal to POH बोलो मजा आ रहा है बेटा यस सर लेते रहो बेटा मुझे हाँ बेटा ऐसा ठीक है बेटा बोर हो रहे हो यहाँ पे वेरी बोर हो नहीं आते हो ना यस क्योंकि इसने बोला मजे लेने थोड़ी आते हैं सब वो नहीं आते पीएच कितना होता है हाँ पीएच 7 है पीओएच 7 प्लस 7 कितना होगा 14 तो पीकेडब्ल्यू कितना होगा 14 14 बाय 2 कितना हो गया 7 ऐसा भी क्रॉस चेक हो गया चलो दोस्तों टॉपिक खत्म नया टॉपिक देखो क्या वो खंडा है नहीं नहीं सर गुड वेरी गुड दैट्स द स्पिरिट अभी तो 2 घंटे के लेक्चर की बात कर रहे हैं और भी 1 घंटे में घंटा लेंगे अभी जस्ट 1 घंटा ही हुआ है टॉपिक क्या है लिखो नेक्स्ट टॉपिक लिखो सॉल्ट टाइप ऑफ सॉल्ट एंड कॉन्जुगेट थ्योरी सॉल्ट नमक मत लिखना बेटा सॉल्ट टाइप ऑफ सॉल्ट and conjugate theory sir last time wo real gas ke bole na sir kya aapka pichhna lo real gas mein batata hu abhi last 2 minute mein batata hu to wo 2 minute ko nikal de fir bhi 10 minute baki hai ha 10 minute padhai karni padegi bhai bhai bol raha hu sir karenge salt type of salt and conjugate theory pehle main aapko ye samjha deta hu फिर हम लिखते हैं ठीक है चलो फिर मैं आपको समझा देता हूं सॉल्ट क्या है सॉल्ट का मतलब होता है आयनिक कंपाउंड दिख रहा हूं मैं सॉल्ट का मतलब क्या है भाई आयनिक कंपाउंड सॉल्ट का मतलब आयनिक कंपाउंड है और आयनिक कंपाउंड का मतलब होता है एक कैटायन होगा और एक एनायन होगा तो सॉल्ट इज रिगार्डेड एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैटायन एंड एनायन अच्छा कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज आएगा बेस से कहां से आएगा बेस ओके और एनायन मतलब नेगेटिव चार्ज ऑलवेज एसिड से आएगा एक सिंपल एग्जांपल NaCl ले लो NaCl में Na+ है वो NaOH आया ना तो NaOH क्या है बेस उसमें से कैटायन आया Na+ और Cl मतलब HCl से आया अच्छा Cl एनायन है NaN कहां से है HCl क्या है ऐसे समझ आ गया एग्जैक्टली सो सॉल्ट क्या है सॉल्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ NaN एंड कैटायन चलो दोस्तों NaN कहां से आएगा बेस NaN आएगा एसिड से NaN मतलब नेगेटिव आयन एसिड से आएगा तो ऐसे भी याद रहेगा NaN एसिड AA और बाकी रहा कैटायन तो जो एसिड के अलावा जो बाकी रहा बेस बाकी रहा समझ आ गया सॉल्ट के बहुत सारे टाइप है नॉर्मल सॉल्ट एसिडिक सॉल्ट बेसिक सॉल्ट बट अब बेसिक का मतलब अल्कलाइन होता है अगेन नॉर्मल सॉल्ट एसिडिक नहीं क्या एसिडिक सॉल्ट बेसिक सॉल्ट डबल सॉल्ट कॉम्प्लेक्स रुक जा बेटा कुछ भी कभी भी आता तो कभी भी नहीं बोलते थे तो ठीक हाँ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट सॉल्ट के टाइप याद हो गए पहले तो सॉल्ट का थियोरी मैंने बता दिया फिर मैंने बताया नॉर्मल सॉल्ट जनरल सॉल्ट एसिडिक सॉल्ट बेसिक सॉल्ट डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट एंड मिक्स सॉल्ट वाओ ठीक है अब सबको समझा देता हूँ नॉर्मल सॉल्ट का मतलब सॉल्ट बनने के बाद सॉल्ट के अंदर ऐसा कोई भी H या OH नहीं है जो आयनाइज हो सकता है आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट देर इज नो H+ आयन और देर इज नो OH- आयन विच इज आयनाइजेबल
तो वो सॉल्ट के अंदर एसिडिक पार्ट भी प्रेजेंट नहीं है और बेसिक पार्ट भी प्रेजेंट नहीं है। एसिड और बेस से सॉल्ट जब बना तो उसका सब एसिड लॉस हो गया, सब बेस लॉस हो गया। जैसे NaCl, NaCl में H कहाँ है, OH कहाँ है, समझ आए? एसिडिक सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट का मतलब सॉल्ट बनने के बाद भी अंदर H प्रेजेंट है। बेसिक सॉल्ट, सॉल्ट बनने के बाद भी OH माइनस। अच्छा, फिर मैंने बताया मिक्स सॉल्ट। मिक्स सॉल्ट मतलब दो कैटायन होंगे, एक एनायन, नहीं एक एनायन होगा, तीन कैटायन होंगे, एक एनायन होगा, एक कैटायन होगा, दो एनायन होंगे, समझे आप? तो कैटायन एनायन एक एक नहीं होगा, अलग अलग नंबर में होंगे, तो मिक्स सॉल्ट। मैं एग्जांपल दूंगा अभी, समझ आएगा आपको। सिंपल है ना, Na2S, Na2S, Na प्लस दो है, एक ऐसे CA OCl2, तो CaCl भी है और CaOCl भी है। अगेन CA ये रहा, इधर Cl कनेक्टेड है, इधर OCl है, तो CA प्लस टू मतलब कैटायन तो एक ही हुआ ना, बट Cl भी माइनस है और OCl भी माइनस है, तो एनायन कितने हैं? हाँ, और कैटायन तो ये मिक्स सॉल्ट हुआ, समझ आया? चलो, और बाकी रहा डबल सॉल्ट। बड़ा सिंपल है, डबल सॉल्ट का मतलब दो सॉल्ट का कॉम्बिनेशन, दो सॉल्ट का कॉम्बिनेशन। डबल सॉल्ट टॉपिक हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, एलम, एलम पढ़ा हमने, इफ यू रिमेम्बर एनी पी ब्लॉक, पोटाश एलम पढ़ा था हमने, K2SO4 into Al2SO4 thrice into 24 मोल ऑफ वाटर। यस सर। फटकड़ी फिटकड़ी सर फिट करी। फिर कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का मतलब है, बड़े ब्रैकेट में लिखा होगा, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का मतलब है मेटल और लिगेंड के कॉम्बिनेशन से जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसके साथ कैटायन या एनायन कनेक्टेड होगा, उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। छोड़ो ना, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का मतलब डी और एफ ब्लॉक का मेटल होना चाहिए, डी और एफ मतलब जिसका डी ऑर्बिटल वैकेंट हो और उसके साथ कोई भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसेस चाहिए लिगेंड, और उसको बैलेंस करने के लिए या तो कैटायन चाहिए या तो एनायन, उसको कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बोलते हैं। तो सॉल्ट के इतने सारे टाइप है, सबसे पहले सॉल्ट क्या है समझ आ गया, एनायन पार्ट होगा और एनायन कैटायन कहां से आएगा मैंने बता दिया। फिर मैंने बोला नॉर्मल सॉल्ट मतलब जनरल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, डबल सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, मिक्स सॉल्ट, सॉल्टी सॉल्ट। ये पहले लिखाऊंगा और समझाऊंगा सब आपको, फिर हम पढ़ेंगे सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस। क्या पढ़ेंगे? फिर हम सॉल्ट हाइड्रोलिसिस की बात पढ़ने वाले हैं। हाँ, ये बफर सॉल्यूशन, बफर सॉल्यूशन के बाद हम पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अच्छा, उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं अरेनियस, ब्रॉन्स्टेड डोरी एंड लुईस एसिड बेस कंसेप्ट। ये पढ़ेंगे ना तो चैप्टर, तो अब कल हम पढ़ेंगे सॉल्ट का, ये थ्योरी पूरा मैं लिखवाऊंगा आपको, और कल हम फिर शुरू कर देंगे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, जो हम कल खत्म भी कर देंगे। तो कल दो टॉपिक करने हैं, सॉल्ट के बारे में पूरा लिखना है, समझना है, और सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, कल का इतना काम है। तो आज मैंने मॉड्यूल से कितने पेज पढ़ा है, लास्ट टाइम 135 तक पढ़ाया था, आज मैंने कहाँ तक पढ़ाया है, आज मैंने पढ़ाया है 139 तक, मतलब 138 तक, आपको 138 तक लेके आना था। 25 हो चुका है।